Hello everyone, my name is Ankit Rai, I'm from West Bengal. So I saw something unusual in Mona Lisa's painting. So let me show you guys, जो कि है या नहीं I don't know, but जो मेरा मैंने जो देखा मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ. So क्योंकि जो मुझे दिखा जो मैंने रोटेट करने पर जो मैंने रोटेट करके कुछ देखा तो आप लोगों को मैं अभी दिखाने वाला हूँ कैसा है. आप लोग खुद ही देख के जज कीजिएगा कि है या नहीं. सो गाइज देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे मोना लिसा की एक ही तस्वीर दो तरफ से मैंने रोटेट करके लिया है. एक्चुअली मैं वहाँ यहाँ पे ये देखना चाहता था कि वो जो रिसर्च करने वालों ने बोला था कि एलियन का फेस बनता है तो वो देखने के लिए किया था, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही बना. देखिए दोनों को जब मैंने साइड किया था तो कुछ ऐसा आकृति बना. जब मैंने उसको जूम करके देखा तो आप लोग भी देख सकते कुछ ऐसा मुझे दिखा. अब पता नहीं क्या है. देखिए जैसे कि यहाँ पे सर्कल बना है, एक तो गोल सा एक आकार बना और यहाँ पे मिडल पे देख सकते सर्कल सा बना. मुझे लगा कि किसी का है और ऊपर देखा तो ऊपर भी वही जैसा फेस का स्ट्रक्चर एक बना हुआ है. देखिए नीचे भी बना हुआ था, ऊपर भी देख सकते हैं आप लोग सभी जगह पे यहाँ से लेकर ऊपर तक. अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको ऊपर करके दिखाता हूँ. देखिए यहाँ पर भी बना है, यहाँ पर भी बना है. अब यहाँ पे कुछ पता नहीं किसी का आकृति जैसा बना है. अभी देखिए मैंने जो बॉर्डर को हटा दिया तब यहाँ पे ऊपर देखिए कुछ हर जगह पे बना हुआ है, हर जगह से बना हुआ है. अब मैं आप लोग को यहाँ से थोड़ा सा नीचे दिखाता हूँ. देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे भी देखिए कुछ फेस जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बना हुआ है. अब नीचे और नीचे आने पर देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को और नीचे इनकी जब नीचे भी मैं गया सभी जगह पे बना हुआ. मैंने एक बार देखा मुझे वहम लगा कि मेरा वहम होगा, लेकिन बार बार देखने पर यहाँ पे सच्ची पे फेस बना है और काफ़ी अजीब सा फेस का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी अजीब है. जैसे कि यहाँ पे ऊपर देख सकते थोड़ा डॉग जैसा साइन है, आई डोंट नो डेवल जैसा भी दिख रहा है, पता नहीं किसका साइन है. और यहाँ पे गोल आकृति बना हुआ है. और यहाँ पे आप लोग को मैं नीचे ले जाऊँ तो कुछ पिरामिड के जो होते हैं ना पेंटिंग्स वगैरह वैसे भी दिखा है मुझे. आई डोंट नो ये रियल है या पता नहीं, बस मेरा बहम है. आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा. यहाँ पे देखिए नीचे में ले जा रहा हूँ आपको. यहाँ पे देखिए कुछ दीवार में बना हुआ कुछ दिख रहा है. यहाँ पे जैसे ऐसे की आकृति जैसे पता नहीं क्या है, मुझे समझ में नहीं आया. मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि कोई मुझे बता पाए इसके बारे में. और एक लंबी सी आकृति बनी जो कि मोना लिसा के एल्बो के काफ़ी पास है. जो इन लोगों ने इन्होंने जो हाथ फोल्ड किया है उसी के पास है. यहाँ से देखिए ऊपर एक गोल आकृति बना हुआ है और ऐसे ही करके ऊपर तक बस ऐसा ही बना हुआ है. आई डोंट नो गाइस अभी क्या है पता नहीं, या मिस्ट्री है या फिर कुछ एडिटिंग के वजह से. मतलब मैंने तो कोई एडिट नहीं किया यार फोटो पे. अब मैंने बस गूगल से डाउनलोड किया SD में. सो मैंने कोई एडिटिंग वगैरह नहीं किया, मैंने बस दो फोटो को लिया, एक ही फ़ोटो को लिया, उसको रोटेट किया, मिरर इफेक्ट किया और उसके बाद मैंने देखा तो कुछ ऐसी आकृति बनती. आप लोग भी करके देखिएगा, अगर बना तो कमेंट करिएगा. अब पता नहीं ये क्या है सच्ची में है या फिर नहीं, या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ इस पेंटिंग के बारे में. क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसे दिखा, तो मैंने देखता रहा था यूट्यूब में भी तो कुछ एलियन जैसा फेस बना, मैं वो देखने के लिए आया था यहाँ पे, लेकिन मुझे कुछ और ही दिखा. सो ये क्या है पता नहीं. अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा एक स्ट्रेट सा लाइन जो है वो बना हुआ है नीचे से लेकर एकदम ऊपर तक, जो कि एक लाइन है. जो लाइन बना हुआ है वहाँ पे यहाँ से ऊपर यहाँ पे भी देखिए आँख जैसा कुछ एक आकृति बना हुआ है. अब मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि और आप लोगों को उलझन में डाल देगा और आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा जैसे कि मुझे किया था. सो मैं आप इस इमेज को मतलब कि इस जो है रोटेट किया था मैंने उसको सही उसका असली जो है उसमें लाता हूँ, फॉर्म में लाता हूँ तो मिरर करके फिर से. सो गाइस जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि मैंने ओरिजिनल जो फॉर्म था इनका जैसे कि सही मिरर इफेक्ट मैंने हटा दिया, तब भी मैं इन दोनों को एक साथ जोड़ के इनके ओरिजिनल फॉर्म में लाया, तब भी यहाँ पे देख सकते हैं बीच में एक गोल आकृति बनी. यहाँ पे वो फेस वगैरह स्ट्रक्चर तो नहीं बना, कुछ कुछ दिखा मुझे, लेकिन वो जो गोल आकृति वहाँ पे भी था मिरर इफेक्ट करने पर भी हटाने पर भी यहाँ पे गोल आकृति ही बनी. जैसे कि मैंने कम ज़्यादा करके भी देखा एकदम मिडल में ही बनाई सेम गोल आकृति, जो है एक सर्कल बना हुआ यहाँ पे भी वही बना. ऊपर मैंने देखने की कोशिश की, ऊपर कुछ नहीं है, सब मुझे कुछ यहाँ पे देखने में कुछ ऐसा नहीं लगा जैसे कि मुझे पिछले बारे में लगा था. लेकिन हाँ यहाँ पे भी एक गोल चीज़ बनी जो कि मतलब एक कोइंसिडेंस है पता नहीं क्या है, बट सेम वैसा ही बना है. यहाँ पे भी एक गोल आकृति बना हुआ है, अब ये पता नहीं क्या है. अब मैं आप लोगों को इसको आगे पीछे करके भी कुछ दिखाऊंगा तब भी देखिएगा. जैसे कि मैंने यहाँ पे फिर से उल्टा कर दिया, अब मैंने ज़्यादा कम करके मैंने सब जगह से देखा, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम करते हुए देखा, फिर से मैंने रोटेट करते हुए देखा, लेकिन
यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा फर्क नहीं देखा। सो गाइस, अभी यहाँ पे मैंने फिर से उसी इमेज को लिया मिरर करके। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आकृति बनी, तो मुझे लगा कि कुछ और भी चेंजेस करता है, जैसे कि मैंने राइट साइड और लेफ्ट साइड को साथ में ले आने पर ऐसी कुछ आकृति बनी। सो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा और दूर किया राइट साइड को और लेफ्ट साइड को भी, तब कुछ और ही बना। अब मैं इन दोनों को पास ले आ रहा हूँ, अभी दोनों साइड से मैं पास ले आने पर कुछ और बनता है। तो आकृति चेंजेस होती रहती है, लेकिन जो पहली बार में बना वो वाला कुछ जर से ज़्यादा ही डिफरेंट था और मुझे अचंभे में डाल दिया। अभी तक मैं हैरान हूँ कि कैसे बना ये, और है भी नहीं, मुझे लगा है या फिर मेरा वहम है, कुछ कह ही नहीं सकता। आप लोग भी अगर इस चीज़ को करना चाहते हो तो प्लीज़ गाइस एक बार करके देखिए, किसी भी ऐप से करिए, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि अगर आपने भी कुछ ऐसी ही चीज़ देखी है। सो प्लीज़ गाइस कमेंट करिएगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि मैं पता नहीं ज़्यादा ही मैं सोच रहा हूँ या फिर आई डोंट नो, बट आप लोग प्लीज़ देखिए एक बार मेरी तरह ही कुछ ऐसा करके। आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा प्लीज़, एंड हो सके तो वीडियो को शेयर करिएगा अगर आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, इन्फॉर्मेशन मिला इससे। सो गाइस, मुझे ऐसी कुछ और भी चीज़ें पता चली है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू।